खबर बिजनौर से। भीम आर्मी के चंद्रशेखर उर्फ रावण पहुंचे बिजनौर। साइकिल यात्रा लेकर निकले चंद्रशेखर लाओ लश्कर के साथ। यूपी में बढ़ते आरोप यानी कि अपराध को लेकर चंद्रशेखर चिंतित। सड़कों पर निकली बहुजन समाज की साइकिल यात्रा। चंद्रशेखर ने कहा कि पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने किया लोकतंत्र का अपहरण। जनता से गठबंधन, निकम्मी सरकार से मुक्ति दिला। सरकार में हो रहा और अभी पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस तरह लोकतंत्र का अपहरण किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और जिस तरह से हर वर्ग का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बेहाल है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसी जाति धर्म के लोग, महंगाई चरम पे है, अन्याय अत्याचार जारी है, रोज हत्या बलात्कार होते हैं, कई व्यापारियों को उठा लिया जाता है। इस सरकार ने सिर्फ प्रदेश को बदहाल करने के अलावा कुछ नहीं दिया है। प्रदेश की बर्बादी 4.5 साल में जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री जी मस्त है। ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने कोई अधिकार नहीं है। इनके झूठ को जो वादे इन्होंने किए थे जनता के बीच लेके जाएंगे और 8 महीने लगातार काम करेंगे, जनता को तैयार करेंगे, इनको सत्ता से बेदखल करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार देंगे। जनता से गठबंधन कर रहे हैं, जनता को तैयार कर रहे हैं। ये लोग जिनको बहुजन समाज के लोग कहते हैं, जिनको आज तक भी हिस्सेदारी नहीं मिली और जो लोग इस देश के सबसे वफादार लोग हैं, जो किसी झूठ में, किसी घोटाले में, किसी भी चीज में नहीं जाते, बस देश सेवा करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उस वर्ग को सत्ता में स्थापित करना, उस गरीब समाज को और हर गरीब को वो अधिकार जो अमीरों को मिले वो दिलवाने की जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी के वास्तविक लोकतंत्र जिसमें वो जनता का हो, जनता के द्वारा जनता की सरकार, इसमें जनता की सुनवाई हो, जनता को पीटा ना जाए, जनता को जो है लूटा ना जाए, ऐसी सरकार को खत्म करके एक ईमानदार और सुशासन वाली सरकार देने के लिए हम लोग मैदान। जिससे भी गठबंधन होगा मीडिया को जाएगा, मीडिया को सारी बात बताई जाएगी। अभी तो जनता से गठबंधन करना है क्योंकि बीजेपी के लोगों ने अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया तमाम झूठे मुकदमे, आपने पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी देखे और उसके अलावा सीबीआई ईडी की रेड। तो आजाद समाज पार्टी के लोग तो नहीं चलते भीम आर्मी के, तो इसलिए जनता को तैयार करना है कि वो इनके हिंदू मुसलमान के धर्म के झंडे में ना आए, भाईचारा बना के रखे और वो ये सोचे कि धर्म रोटी नहीं देगा, उनके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, उन्हें शिक्षा कहाँ से मिलेगी, उनको नौकरियां कहाँ से मिलेगी, गरीबी महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा। आज जाइए किसी अधिकारी कर्मचारी के दफ्तर में, पहले पैसे लेगा फिर काम करेगा, तमाम वीडियो वायरल हो रही है। तो ये निकम्मी सरकार और जिसमें दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को और महिलाओं को उत्पीड़न का लगातार शिकार होना पड़ रहा है, इस सरकार को बदलने के लिए हम लोग मैदान। बहुजन समाज पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में भाग ले लिया, उसके बारे में क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी के लोग कहेंगे हम आजाद समाज पार्टी के। लाना खबर भारत वर्ष के लिए बिजनौर उत्तर प्रदेश से उस्मान मंसूरी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।